दोस्तों, आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है लहसुन, प्याज, टमाटर। लहसुन और प्याज को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये देखिए, लहसुन और प्याज को हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब गैस पर अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन डाल देंगे। और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, पालक को हमने पहले अच्छी तरह से साफ करके धोकर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसे बॉईल कर लिया था, और उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। प्याज और लहसुन हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ऊपर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारी पालक की प्यूरी हमने चॉपर में ग्राइंड कर ली है। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे स्वाद दुगना हो जाता है। अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और साथ ही हम पालक की जो हमने प्यूरी बनाई थी उसे भी डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ढककर पका लेंगे। देखिए, हमारी पालक पनीर रेडी हो चुकी है और देखने भी कितनी सुंदर लग रही है।